खबर ये आई है कि साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली करवाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। खबर ये आई है कि साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली करवाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील की जानिब से उनके सज़ा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत की जानिब से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करवाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कल दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार वकील ए के डोगर ने अपनी दरख्वास्त में मौका भी इख्तियार किया है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 में नैब ब्यूरो की तशकील का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं और नैब ऑर्डिनेंस की कानून साजी में नैब ब्यूरो और मेंबरान की तकर्री से मुतल्लिक कोई शिक मौजूद नहीं। तहम नैब कानून खामोश है कि कितने मेंबरान ब्यूरो की तशकील करेंगे और इन मेंबरान की तकर्री कौन करेगा। इस दरख्वास्त में नैब ऑर्डिनेंस 1999 को कलदम करार देने की। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर।